बाबरी मशीद पाडून आज 31 वर्ष पूर्ण। जालन्यात रझा अकादमीकडून बाबरी मशीद पाडल्याच्या घटनेचा निषेध। आज बाबरी मशीद पाडून तब्बल 31 वर्ष पूर्ण झाले असून जालन्यात रझा अकादमी संघटनेने या घटनेचा निषेध केलाय। 6 डिसेंबर 1992 या दिवशी बाबरी मशीद पाडल्याची घटना घडली होती, तेव्हापासून जालन्यात रझा अकादमीकडून बाबरी पाडल्याचा निषेध व्यक्त केला जात आहे। त्याचबरोबर कुराणमध्ये लिहिले की ज्या ठिकाणी मशीद उभी राहते ती जागा कायमस्वरूपी मशिदीचीच असते, तिथे आज काहीही असो या संघटनेनं म्हटलं आहे। दरम्यान देशात शांतता टिकून राहावी आणि पुन्हा बाबरी उभी करण्याची शक्ती अदा करावी अशी प्रार्थना या संघटनेकडून करण्यात येत आहे। ऐतिहासिक तौर पर एक दुआ या अजान का इहतमाम होता है जिसमें हम अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ोजल की वहदानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार और बयान करते हैं। और आज भी इंशाअल्लाह हम यहाँ पर अजान देंगे। एक बहुत प्यारी बात इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला ने अजान के फ़ज़ाइल में लिखी है। फरमाते हैं कि आपका अगर कहीं गुजर किसी पहाड़ पर या जंगल में हो जाए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर आपके साथ कोई ना हो या आपके कोई हमरा हो और आपका गुजर जंगल और बियाबान में हो या पहाड़ी पे हो तो आपको चाहिए कि अगर वक्त है आपके पास तो आपको चाहिए कि वहाँ पर आप अजान के कलमात को बुलंद करें। और अजान के कलमात को बुलंद करने पर फरमाते हैं कि जो पहाड़ होगा वो पहाड़ दरख्त और रेजे संगरेजे वो सब इस बात के गवाह हो जाएंगे कि आपने अल्लाह की वहदानियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी है। अजान का इहतमाम कर रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर सब एक साथ में अजान पुकारेंगे, अल्लाह की हमदो सना बयान करेंगे। यहाँ पर जमा हुए हैं रज़ा अकेडमी जालना की जानिब से ये एहतजाजी प्रोग्राम रखा गया है। हम अपने गम और गुस्से का इजहार इस बात पर करते हैं कि 1992 में बाबरी मस्जिद को चंद शरपसंदों ने ताकत के जोर पर ढा दिया है, जिसको आज 31 साल का अरसा हुआ है। हम उसकी मजम्मत करते हैं और शरीयत की रूह से हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जिस जगह पर मस्जिद थी ता क़यामत वो जगह मस्जिद ही रहती है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला उस जगह पर मस्जिद को तामीर फरमाने में हमारी मदद फरमाए। लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, लब्बैक देखिए आज 6 दिसंबर 2023 है और आज बाबरी मस्जिद की शहादत को मुकम्मल 31 साल का अरसा हो गया है। 1993 से लेकर आज तक हम रज़ा एकेडमी की जानिब से इज्तिमाई अजान दुआ का एहतमाम करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला जिन जालिमों ने जिस मकाम से बाबरी मस्जिद को हटाया है उसी मकाम पर बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर फरमाने की हमें तौफीक अता फरमाए। उसी दुआ के लिए हमने अजान का एहतमाम किया है, अजान दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जालना शहर में तमाम शहरियाने जालना में खसूसियत के साथ जो बुज़ुर्ग हमारे हजरात हैं जिसमें इकबाल पाशा साहब है, मुनव्वर ख़ान लाला साहब है और दीगर हजरात सियासी समाजी मजहबी तमाम हजरात 30 साल से मुकम्मल तौर पर यहाँ पर हिस्सा ले रहे। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। उलमा किराम ने भी माशाल्लाह काफ़ी कोशिश की कर रहे हैं। सबका मकसद एक ही है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस मकाम पे बाबरी मस्जिद थी उसी मकाम पे बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर फरमाने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि शरीयत का ये मसला है कि एक बार जहां मस्जिद तामीर होती है अर्श फर्श से लेकर अर्श आज़म तक वो जगह मस्जिद ही मस्जिद रहती है, चाहे वहाँ कुछ भी हो जाए, चाहे वहाँ कुछ भी बन जाए, वो कल भी मस्जिद थी आज भी मस्जिद है, वो जगह क़यामत तक इंशाअल्लाह तबारक ताला मस्जिद ही रहेगी। हम इसी मकसद के तहत दुआ के लिए हाजिर आए हैं और दुआ करते हैं कि मौला ताला हमारे मुल्क में अमन अमान रहे और जो लोग शरीयत से खिलवाड़ कर रहे हैं मौला ताला उन्हें हिदायत अता फरमाए कि वो हमको भी समझे, शरीयत को समझे, देश को समझे और देशवासियों को समझे। और वैसे आप देख रहे हैं कि पूरे देश में लोकतंत्र का जो है तो मजाक उड़ाया जा रहा है और संविधान के साथ भी खेल खेला जा रहा है। हम चाहेंगे मुसलमान हमेशा संविधान का पाबंद रहा है, लोकतंत्र का पाबंद रहा है और हम पाबंद है पाबंद रहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और हम बबांगे दोहल ये कहते हैं कि हमारी शरीयत के साथ आप खिलवाड़ ना करें कि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ज़र्रा बराबर भी हम किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। दुआ है कि मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। सैयद जमील, सैयद जानी मियाँ, खादिम रज़ा एकेडमी जालना।